Yep, it is Punjab versus Rajasthan. Hopefully, a top clash between two sides who had a lot of good rivalry. तो होपफुली आज का गेम भी काफी बढ़िया होगा हम सबको देखने के लिए, और कल का गेम आई होप आपका अच्छा गया होगा। विक्टिम पूरन तो नहीं चले पर कुलदीप क्या चले सर, टॉप क्लास गेम फॉर दिल्ली एंड वेरी सरप्राइजिंग, बट दैट्स व्हाट वी कीप सेइंग, ऑलवेज बैक योर विजुलाइजेशन। तो आज भी मैच है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सब कुछ डिस्कस करेंगे, विकल्प डिस्कस करेंगे, विजुलाइजेशन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वेस्ट नो टाइम बिकॉज बोथ यू एंड मी नो इट इज श्योर टाइम। हेलो हेलो, स्वागत है आपका क्रिकेट डॉट कॉम फैंटेसी सेंटर में, होम ऑफ असली फैंटेसी क्रिकेट। एकदम राइम में सुझ जाता है ये, बिकॉज इट इज व्हाट इट इज, यू नो, असली फैंटेसी, द फैंटेसी दैट बिगन विथ ना टॉस का स्ट्रेस, ना 11 का टेंशन। ऑल यू हैव टू डू इज मेक अ 7-4 कॉम्बिनेशन, पुट इट इन द राइट कॉन्टेस्ट, ज्वाइन योर, यू रिमेंबर, ज्वाइन योर टीम्स इन टाइम। 1 घंटे पहले की डेडलाइन है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम, सो यप, ज्वाइन इट विथ योर विजुलाइजेशन, बैक योर गट फील, एंड ऑफ कोर्स ज्वाइन द राइट कॉन्टेस्ट सो दैट यू कैन विन अ डिसेंट अमाउंट। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना ऐप, और ऐप पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो व्हेन यू गो इनटू द ऐप दिस इज व्हाट यू विल सी, फिक्स्चर्स टू योर लेफ्ट, होम, माय मैच इज रिसर्च, बेस्ट पार्ट अबाउट इट, रिसर्च फैंटेसी सेंटर। जब आप फैंटेसी सेंटर में आओगे आपको दिख जाएगा फैंटेसी स्टैट्स, यहाँ पे टीम डेटा, प्लेयर डेटा, वेन्यू डेटा, मैचअप, फॉर्म, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यूज दैट and build your own teams. We'll also talk about the AI teams at the later part of it. But as you can see, there is disclaimer. This game is subject to financial risk and can be addictive. So please play responsibly and at your own risk. तो ऐप डाउनलोड कर लेना, हेल्प तो आपको डेफिनेटली हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, फिर मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट आर द की गेम फैक्टर्स दैट कुड डिसाइड दिस वेरी वेरी गेम बिटवीन पंजाब एंड राजस्थान? तो हेड टू हेड ऑब्वियसली राजस्थान इज अ स्ट्रॉन्गर साइड ऑन पेपर एंड ऑन फील्ड एज वेल, 15-11, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है इफ यू सी, 3-2 सिंस 2021, व्हिच इज गुड बिकॉज़ यू वांट दैट टू हैपन। तो नेथन एलिस एंड संजू सैमसन वर द प्लेयर्स ऑफ द मैच व्हेन पंजाब वन, बट कार्तिक त्यागी, यू नो यू रिमेम्बर दैट गेम, यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिकल, पडिकल तो नहीं है अब आरआर में, बट कैन जायसवाल कम गुड टुडे? वेल, वी'ल डिस्कस दैट एंड अ लॉट मोर। याद रखना मैच है मुल्लनपुर में, जहां पे हमने देखा है मुल्लनपुर में के रन बन रहे हैं बहुत, 150 एवरेज स्कोर, 172 विनिंग स्कोर, पर पेसर्स आर डूइंग द जॉब। और पिछले गेम में ट्रेविस हेड पहले बॉल पे आउट थे, रिव्यू नहीं किया था, तो शुरू के 2-3 ओवर मूवमेंट रहेगी एंड पेसर्स हैव टेकन बल्क ऑफ द विकेट्स। आप देखो 4-1 ऑलमोस्ट, वैसा देखा जाए तो पेसर्स को बैक करेंगे, पर एक स्पिनर है जो टीम में फिर भी रहेगा एंड यू नो विच वन दैट इज, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मेजोरिटी आई थिंक गेम पावर प्ले डिसाइड करेगा और उसके बारे में आगे बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स गेट टू द प्रोबेबल 11। लिविंगस्टन अब तक फिट नहीं है, आई थिंक सेम इज द केस विद संदीप, नो इन्फॉर्मेशन ऑन देम। तो आई थिंक पीबी केस कुड बी अनचेंज्ड एंड एज यूजुअल प्रभसिमरन सब डाउट फॉर हरदीप सिंह। आई एम जेन्युइनली होपिंग प्रभसिमरन धवन दे कैन कम गुड, क्योंकि शशांक आशुतोष दे कांट ऑलवेज सेव यू। तो आई वोंट माइंड अ प्रमोशन एज वेल फॉर वन ऑफ देम, बट एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट्स सी हाउ दैट हैपेंस। और फॉर आर आर आई होप द एक्सपेरिमेंट्स आर डन, और बर्गर इफ इज फिट शुड कम इन टू दिस साइड। पिछले गेम में यशस्वी जायसवाल वॉज सब डाउट फॉर केशव महाराज, तो अगर बर्गर आज खेलते हैं तो बर्गर कुड बी द गाय। और ट्रेंट बोल्ट जो पिछले गेम में नहीं यूज हुए थे 2 ओवर के बाद, दिस इज जस्ट द परफेक्ट कंडीशन फॉर हिम आई थिंक टू कम गुड, स्पेशली इफ इज बोलिंग फर्स्ट। वी सॉ द अमाउंट ऑफ स्विंग कगिसो गॉट एंड इवन हर्षदीप गॉट, तो बोल्ट कुड रियली बी हैंडी एंड टूडे कुड बी द डे वेर वी हैव अ बोल्ट 3-4, बट लेट्स सी उस विजुलाइजेशन में हु डू यू हैव टू बैक, रिमेंबर दैट, कौन आपको लग रहा है बोल्ड का आउट होगा और कौन नहीं होगा, अपनी टीम वैसे बनाना बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, की स्टैट्स एज आई सेड, पावर प्ले विल डिसाइड द गेम। व्हाई? बिकॉज लोएस्ट रन रेट फॉर राजस्थान इन 7.6, पंजाब किंग्स नॉट टू फार 8.1, एंड मोस्ट विकेट लॉस्ट में भी यूसी राजस्थान 9, पंजाब किंग्स 8। तो पावर प्ले में बहुत विकेट गए हैं, तो पावर प्ले के बोलर्स आप डेफिनेटली लोगे, बट विच ओपनर विल यू ड्रॉप एंड विच ओपनर विल दे ड्रॉप? तो कीप बोथ ऑफ देम इन माइंड, बट रिमेंबर एज आई कीप सेइंग,
bowlers are going to be very, very crucial. And you will need that element of luck in the power play. क्योंकि उसके अलावा तो वैसे भी we can't do much. पर let's try and visualize what's the best that can happen. और form से मस्ती नहीं करते. Form players को back करेंगे. बाकी जो होगा देखा जाएगा. So that was key stats for both the teams involved. Talk about the first opener right now, Shikhar Dhawan. Last five games versus RR, 17, 86, 12, 8 or 9. तो स्ट्राइक रेट भी आप देखें तो 75, 82, 100 when he was struggling. 17 was a very quick 17, but जल्दी आउट हो गए. गुवाहाटी 86 was a good knock and again he batted deep. And I think that is the role for Shikhar. I won't be surprised if today is the day he just looks to give himself some time. Dhawan is a naturally accelerating anchor. अगर आपको classify करना है तो थोड़ा slow रहते हैं वो, but Punjab needs somebody like him to bat deep ताकि दूसरों पे pressure ना आए. तो who will be he facing? Well, he will be facing Trent Bolt very early. तो swing से तो थोड़ा बचना पड़ेगा. पिछले game में Bhuvi को stump हो गए थे. That wasn't a pretty sight, but that can happen. Let's see if Shikhar is able to come good. क्योंकि थोड़ा pressure तो रहेगा. कप्तान है and has to lead from the front. दूसरे opener के बारे में बात करते हैं तो यशस्वी जायसवाल performance versus pace. तो left arm pacer ने 3 बार out कराए इस IPL में. Strike rate बढ़िया रही है. Right arm pacer ने 2 बार out कराए. Strike rate वहाँ पे भी बढ़िया रही है, but chances लिए हैं जायसवाल ने. पिछले गेम में मुझे लगा ही वॉज लुकिंग गुड, बट जायसवाल जस्ट आई डोंट नो लेट्स पुट इट टू वेड हु ड्रॉप टू रिलेटिवली बेटर चांसेस एंड टुक अ वेरी स्प्लेंडेड रन. टिपिकल वेड दैट, बट जायसवाल और धवन, दीज टू गाइज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर दिस गेम बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ओपनर्स गेटिंग आउट अर्ली, टीम्स लूजिंग विकेट्स अर्ली. ऑन फॉर्म दीज टू डोंट लुक प्रॉमिसिंग, बट वी नो इफ दे गेट इन बोथ ऑफ देम कैन स्कोर बिग. तो कीप दैट इन माइंड. और जो एक स्पिनर जिसकी मैंने बात करी थी कि जो मेरे टीम में जरूर रहेगा वो युजी चहल, बहुत बढ़िया बोलिंग कर रहे हैं. पिछले गेम में गिल को बहुत अच्छे से आउट किया था. यस आई नो बेसिक्स, बट बहुत टीम्स बेसिक फॉलो नहीं करती है तो विच इज गुड थिंग. और सबसे ज्यादा विकेट्स चहल के लिए पंजाब के अगेंस्ट ही है, 29 विकेट्स इन 19 गेम्स, तो वाई नॉट बैक हिम. और इसके अलावा देर आर थिंग्स दैट विल डिस्कस, बट मोर ऑफ इट इन द बिग टिप एंड फ्रॉम द क्रिकेटिक्स टीम्स. फिलहाल लेट्स गो टू अल्टीमेट 11. तो अल्टीमेट 11 में जब हम आएंगे तो अभी के लिए माय कीपर्स आर फ्रॉम आरआर, सिंपली बटलर एंड सैमसन. अब यहां पे यू हैव जॉनी बाबा, बट जॉनी बाबा वर्सेस ट्रेंट बोल्ट नॉट श्योर. जॉनी बाबा वर्सेस यूजी चहल हैज बीन अ मैचअप, तो वहां पे मुझे लगता है थोड़ा खतरा हो सकता है जॉनी बेस्ट को, इसलिए मैं उन्हें अभी तक पिक नहीं कर रहा हूं. बट आपको चाहिए बिल्कुल पिक करना. मैंने बोलर्स बहुत भरे इस टीम में, ऑब्वियसली आई गेव यू एन हिंट अर्लियर इटसेल्फ. जितेश शर्मा इज अ हैंडी ऑप्शन, but so far it's only been handy cameos and that is what I hope changes in this game. So those are the four options that you can try. And abhi ke liye maine Samson ko rakha hai vice captain because purely on form. He batted very well in the last game also. Aur vice captain rakha hai kyunki keeper bhi hain to points bhi mil jayenge keeping ke. Kal bhi I hope Rahul and Rishabh worked out for you in terms of captain vice captain. So let's see, we keep trying. Batting section, yes, it is those two players, Dhawan or Jayaswal. आपको लगता है कि नए बॉल से विकेट जाएंगे, दोनों को ड्रॉप कर दो. अगर दोनों को ड्रॉप करेंगे तो किसको पिक कर सकते हो? यू कैन पिक शशांक सिंह, यू कैन पिक आशुतोष शर्मा, यू कैन पिक ध्रुव जुरेल, शिमर हेटमैन. बहुत विकल्प है आपके पास पिक करने को, पर गटफील कॉल है, एंटायरली गटफील कॉल है. स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से रिस्क लेके पॉइंट नहीं है, बट ग्रैंड लीग में अगर आप बोल्ट को कप्तान बना रहे हो तो ड्रॉप धवन, ड्रॉप बेस्ट, ड्रॉप सिमरन एंड देन बैक पंजाब मिडल ऑर्डर टू कम गुड. सिमिलरली फॉर आरआर, इफ यू थिंक अर्शदीप विल टेक दोस न्यू बॉल विकेट्स, drop Butler, drop Jaiswal, Samson if you want to, and there's also Sam Curran there who can use the new ball. So, bahut vikalp hain back as per your visualization. Small league mein I'll probably just keep these two guys. Iske alawa all-rounders to pick, mein abhi ke liye mein Sam Curran aur Ian Parag ke saath gaya. Dekho, Sam Curran bowling first is the safest option. Bowling second also won't be bad because he's been batting higher up the order. So, I think in terms of one wicket, a couple of wickets, 20-30 runs, safest option in that aspect. So Sam Curran as a captain option, and Riyan Parag could be a very handy vice captain option if you feel Riyan Parag will be able to just counter the pace that they will bowl. Spin Punjab haven't done much. Riyan Parag could be a handy option. Riyan Parag ke samne Brar could be a handy option, but if you want to back form, Riyan Parag won't be a bad choice for a differential vice captain option. Apart from that, who bowl? So here is where I have four pacers and one spinner, all three. Harshal, Arshdeep, Kagiso, we've seen how they play. Harshal went really well in the last game. Arshdeep, new ball movement and got four wickets in the last one. Kagiso Rabada was unlucky, should have had a few more wickets, but
can't do much, Trent Bolt, especially for this venue. And given what happened in the last game, I think Trent Bolt will be very handy. If you don't trust Trent Bolt, आपको लगता है नहीं मुझे आवेश खान को लेना है, ले सकते हो. कुलदीप सिंह को लेना है, ले सकते हो. कंप्लीटली आपका कॉल है, मैं नए बॉल मूवमेंट के लिए बोल्ट को ले रहा हूँ. क्लियर एज दैट. और इसके अलावा चहल को मैं टीम में रखूंगा ही, बोलिंग फर्स्ट बोलिंग सेकंड. अपने को तो टोल लोड है नहीं, टॉस का टेंशन नहीं है, जस्ट मेकिंग अ गुड बैलेंस 11. सो दैट इज दैट 11 इन फॉर मी. बटलर, सैमसन, धवन, जायसवाल, सैम करन, रियान पराग, हर्षल, अर्शदीप, कगिसो, ट्रेंट बोल्ट और यूजी चहल. तो दैट इज द अल्टीमेट 11. कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. यू कैन बैक बटलर, जायसवाल इफ यू फील one of the openers will come good, which one, completely your call. Agar aapko middle over batters ke sath jana hai to Sam Curran, Riyan Parag, very great options. Bowling to main hamesha kahunga, if you feel strongly about bowlers, Rabada Bolt, Bolt Arshdeep, Chahal Harshal Patel, great options, great combinations. But for that, back your visualization in the entire lineup and not just in captain vice captain. So that is the ultimate 11. Or agar aapko options chahiye to Cricklytics teams are always there. So if you see safe choice, Sam Curran, Josh Butler, fairly safe. Top picks, Sam Curran, Riyan Parag. We discussed about that combination. High risk, high reward. Riyan Parag, Sam Curran, the reverse of it. And Riyan Parag and R. Ashwin. Remember, R. Ashwin could also be promoted if they want to keep Berger in the side. So watch out for that. It could be a very interesting option, R. Ashwin. High risk, high reward. But that is what Cricklytics gives you. So before the deadline, go have a look. Download the app. Link aapko mil jayega description mein. And give this a look in terms of each team. And then go as per your visualization. So now that Cricklytics is done, 27 of you watching, please just leave a like, you know, just helps the algorithm, helps us do this a lot more. So aage badhte hain big tip ki taraf. Wo ek risky player jo shayad team mein to hoga, but kya aap usko grand league mein captain vice captain bana sakte hain? Harshal Patel, second most hai wickets in terms of second highest wickets for him against Rajasthan. 18 wicket 10 game mein. इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया है. तो ही कुड रियली बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन टू ट्राई, एस्पेशली इफ यू फील यू नो दे लूज अ लॉट ऑफ विकेट्स ट्राइंग टू अटैक हिम. इसके अलावा ट्रेंड बोल्ट के बारे में अदर ग्रैंड लीग ऑप्शंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ट्रेंड बोल्ट्स विजुलाइजेशन, सिकंदर आजा, इफ यू फील टॉप ऑर्डर विल गो बिकॉज ऑफ ट्रेंड बोल्ट, दिस सिकंदर आजा बिकम्स अ ग्रेट ऑप्शन. एंड सो विल बी यूजी चहल. अगेन यूजी चहल के बारे में हमने बात कर ली, मोस्ट विकेट्स फॉर हिम अगेंस्ट पंजाब. सो एज सिंपल एज दैट. फॉर्म से मस्ती नहीं कर रहे, विजुअलाइजेशन से मस्ती नहीं कर रहा हूं मैं. सो दैट इज दैट इन टर्म्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेरी क्रिस्प प्रीव्यू फॉर यू के व्हाट कैन हैपन इन दिस गेम. तो डू नॉट हेजिटेट, एज आई कीप सेइंग, अपने विजुअलाइजेशन को बैक करो. वॉचलिंग होगा आज, आई लुक फॉरवर्ड टू योर कंपनी इन दैट एज वेल. बाकी टुमारो इज द संडे, सुपर संडे एज ए कॉल इट. दो मैचेस रहेंगे, आई विल सी यू फॉर द टू गेम्स प्रीव्यू एट 1 PM, रिमेंबर. तो बाद में देखोगे, कोई लोड नहीं, आराम से देखो, अपनी गट फील को बैक करो. एंड सी यू टुमारो देन, 1 PM, सेम प्लेस सेम टाइम, cricket.com fantasy center. दिस इज निखिल पोपट साइनिंग ऑफ. टाटा, बाय बाय.